इस सेशन में हम लोग रिटेंटिव टाइमर के बारे में बात करेंगे। इसको इसके अंदर एक्यूमुलेटिव या टोटलाइजिंग टाइमर के नाम से जाना जा रहा है, यानी इस टर्म के साथ इसको यहाँ पर नेम दिया गया है सी एक्स प्रोग्रामर के अंदर। सबसे पहले हमारा जो हर बार हम लोग लेते हैं एक इनपुट, जिससे हम जो हमारी पल्स होगी टाइमर को एग्जीक्यूट कराने के लिए, टाइमर को एनर्जाइज करने के लिए। कोई भी एक इनपुट ले लीजिए। ले लिया मैंने एक इनपुट, हमारा इंस्ट्रक्शन यहाँ से आ जाएगा। तो हमारा जो रिटेंटिव टाइमर जो है उसका अगर हम इंस्ट्रक्शन देखें तो हमारा ये होता है, TTIM होता है हमारा BCD फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ ओके कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे टाइमर नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, और हमारी जो सेट वैल्यू होगी हमारा BCD फॉर्मेट में है, तो हमारा तो यहाँ पर हम अपना जो प्रीफिक्स जो डालेंगे यहाँ पर वो हैश के साथ डालेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो टाइमर है ना, ये हमारा इंक्रीमेंटिंग टाइमर है 0.1 सेकेंड का। ठीक है, 0.1 सेकेंड, यानी आप इसको कैलकुलेट करिए कितना हुआ आपका, 100 मिली सेकेंड का टाइमर है। अगर 0.1 सेकेंड को आप मिली सेकेंड्स में करें, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा आपका, 100 मिली सेकेंड। ठीक है, तो 100 मिली सेकेंड का हमारा ये टाइमर है, यह हमारा 0.1 सेकेंड का टाइमर है। तो आप इसमें जब वैल्यू लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आप 0.1 सेकेंड का टाइमर, ये 100 मिली सेकेंड का है, तो आपको 1 सेकेंड लेना है तो आपको 10 डालना पड़ेगा यहाँ पे, या आपको मान लीजिए 5 सेकेंड लेना है तो यहाँ पर आपको 50 डालना पड़ेगा। ठीक है दादी, देखिए अभी मैंने टाइमर नंबर भी डाल दिया है और यहाँ पर मैंने वैल्यू भी डाल दी, लेकिन अभी भी मेरा रेड इंडिकेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या होता है इसमें, क्योंकि हमारा रिटेंटिव टाइमर है, ठीक है, जिसमें वैल्यू हम यहाँ पर जब पल्स मेरी हाई होगी तो मेरा ये टाइमर एनर्जाइज होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर अगर पल्स डाउन कर दूँ अपना काउंटिंग टाइम कंप्लीट होने से पहले, अगर मान ली मैंने कोई पल्स हाई किया, मेरा टाइमर एनर्जाइज हुआ, काउंटिंग शुरू हुई, ठीक है, काउंटिंग शुरू हुई, काउंटिंग कंप्लीट होने से पहले मैंने ये अपना पल्स डाउन कर लिया, तो अपना ये टाइमर होल्ड कर लेगा ना, जितनी वैल्यू ये काउंट कर चुका होगा उतना रिटर्न कर जाएगा। तो इसको अगर मान लीजिए कि मुझे रीसेट भी कराना है, यानी कि मुझे इसको जीरो वैल्यू भी लानी है ना, उसका भी तो कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो ये हमारा रेड इंडिकेशन इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप जब तक ये इसको रीसेट वाला बिट नहीं देंगे तब तक ये हमारा ये एरर ही रहेगा। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी हमारा टाइमर के जितने इंस्ट्रक्शन, तो यही रीसेट वाला जो हमारा हमने जो इंट्रोडक्शन टू टाइमर्स में हम लोगों ने जो बात किया था, हमारा कुछ पैरामीटर्स जो रहते हैं तो रीसेट वाला जो है इसके लिए यूज़ होता है, यानी हमारा रिडेंटिव टाइमर के लिए हमारा एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है हमारा पैरामीटर रीसेट के लिए। तो यहाँ पर रीसेट के लिए, यानी कि ये वाली पल्स जो है हमारी ये टाइमर को एनर्जाइज करने के लिए यूज़ होगी, और ये वाली हमारी तो हमारा वो टाइमर की वैल्यू को जो हमारी रिटर्न कर गई होगी, ठीक है, उसको हम अगर रीसेट कराना चाहें यानी फिर से ज़ीरो पे लाना चाहें तो उसके लिए होगी। तो यहाँ पर हम कोई दूसरा इनपुट ले लेंगे जो हमारा इससे डिफरेंट होगा, इससे हमारा डिफरेंट होगा ये। तो यहाँ पर मैंने 2.00 ले लिया है, और इसको जब आप कंप्लीट करेंगे यहाँ से, देखिए हमारा एरर फ्री आ गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए पहले समझ लीजिए कि ये हमारा, पहले हम सिमुलेट कर लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, हम देखिए, अच्छा ये हमारा इंक्रीमेंटिंग टाइमर है, पिछले जो टाइमर हमने देखे थे वो सारे डिक्रीमेंटिंग थे, यानी कि हमारा जैसे जैसे कि जो हमने वैल्यू डाल रखी थी तो वहाँ से 0 तक डिक्रीमेंट करते करते काउंट करता है, यहाँ पर से इंक्रीमेंट करते करते काउंट करता है, यानी कि 0 से शुरू होता है और फिर अपनी लास्ट लिमिट पे ये जाके रुकता है जब इसका टाइम। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं पहले यहाँ पर मैं अपना एक मिनट, ये कंप्लीशन बिट भी ले लूँ कि हमारा टाइमर नंबर 1 है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर इसका जो कम्प्लीशन फ्लैट भी होगा वो यहाँ पर T1 होगा। और सिंपल एक कोई आउटपुट ले लेते हैं, मैंने ले लिया आउटपुट। ठीक है, तो हमारा ये इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, कमेंट भी डाल दीजिए आप। आप यहाँ पर डाल दीजिए इनपुट, यहाँ डाल दीजिए अब रीसेट। ठीक है, तो यह हमारा इनपुट जो है ये टाइमर को एनर्जाइज करने के लिए है। ठीक है, और ये हमारा जो रीसेट है, हमारी जो वैल्यू होगी जो अगर रिटेन कर रही होगी, अभी हम लोग देखेंगे सिमुलेशन में, तो उसको रीसेट करने के लिए ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, अब इसको सिमुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कम्प्लीशन फ्लैग बिट है, यानी कि डन बिट है हमारा। जब हमारा टाइम कंप्लीट होगा तो हमारा ये हाई हो जाएगा और हमारा आउटपुट ये हाई हो जाएगा। ठीक है, ऑन हो जाएगा मेरा आउटपुट। तो पहले मैं अपना ये वाला जो हमारा इनपुट है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इनपुट है ये वाला इनर्जाइज करने के लिए, और ये हमारी वैल्यू को रीसेट कराने के लिए। तो मैं यहाँ पर सॉरी इस वाले इनपुट में मैं राइट क्लिक करके यहाँ से फोर्स ऑन कराता हूँ। हमारा टाइम शुरू हो गया, 5 सेकंड के बाद देखिए मेरा, मैंने 50 डाला था और मैंने आपको बताया था कि हमारा यहाँ पर देखिए शो नहीं करा, लेकिन जब आप इसके इंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर से आपको पता चलेगा कि आपका ये जो है 0.1 सेकंड का टाइमर है या फिर 100 मिली सेकंड का टाइमर है। याद रखना है हमारा 100 मिली सेकंड का टाइमर है, तो उसी के हिसाब से हमको वैल्यूज़ देनी है। और ये देखिए, अगर मैं इसको फोर्स ऑफ भी कर दूँ तो देखिए मेरा रिटेन है, ये एनर्जाइज्ड हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डी एनर्जाइज हो गया और हमारा आउटपुट ऑफ हो गया, नहीं, यही फ़र्क है रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव में, कि हमारा उसमें जैसे हम आउटपुट इनपुट हमारा अपना पल्स जो है हम लो कर देते तो हमारा ये डी एनर्जाइज हो जाता था हमारा टाइमर, और हमारा आउटपुट सब ऑफ हो जाता था, इसमें ये नहीं है। ठीक है, और अब देखिए मैं यहाँ पर से एक बार दोबारा करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर से देखिए मेरी 50 वैल्यू रिटेन कर गई, यानी 5 सेकंड के लिए। अब आप टाइमर ऑन भी करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका तो मैक्सिमम लिमिट पहुँच गया, वहाँ से रिटेन कर गया है। अब आगे उसके पास कुछ है नहीं काउंट करने के लिए, क्योंकि वो तो मैक्सिमम लिमिट पहुँच गया है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसके इस टाइमर में क्या है आपको, कि यहाँ पर आपका रीसेट जो बटन है, यहाँ आप जब ऑन करेंगे तब मेरा ये वैल्यू 0 होगा, डी एनर्जाइज होगा। अच्छा, अब इसके बाद इसको अगर ऑन करें, अगर मेरे वाला ये रीसेट वाला इनपुट हाई है, ये भी हाई है देखिए, अब मैं इसको ऑन करता हूँ अगर, तो देखिए मेरा ये हाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा रीसेट वाला इनपुट जो है वो हाई कर रहा है। तो जैसे ही मान लीजिए कि ये वर्चुअल में आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि ये वाला ये वाला इनपुट हमारा एनर्जाइज कर रहा है, और तुरंत मेरा ये वाला उसी वक्त मेरा ये रीसेट भी कर दे रहा है, तो ये हमारा एनर्जाइज हो ही नहीं रहा है, तो टाइम काउंट होगा ही नहीं। तो ये वाला इनपुट हमारा तभी ट्रिगर करेगा, तभी यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा आगे का इंस्ट्रक्शन, यानी जो टाइमर जो हमारा लगा हुआ है, जब हमारा ये इनपुट रीसेट होके एक बार यानी हाई होके हमारा जो रीसेट वाला इनपुट है वो लो हो जाएगा, तब रीसेट हो गया, अब इसका काम ख़त्म हो गया, अब इसको ऑफ होना है। ठीक है, अब हम जब टाइमर इसको यूज़ कर इसको इस वाली पल्स को हाई जब कराएंगे इनपुट की, तब तो हमारा ये काउंट शुरू करेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा आउटपुट हाई हुआ, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए कि अब मैं थोड़ा सा आपको टाइम हल्का सा बढ़ा देता हूँ कि हम लोग रिटेंटिव वाला देखें अपना कॉन्सेप्ट। मैं इसको 100 कर देता हूँ, यानी 10 सेकंड्स। ठीक है, और मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। सिमुलेट किया मैंने, अब ठीक है मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ दोबारा। देखिए मैंने ऑफ़ किया, तो देखिए ये 0 से शुरू हुआ, और जैसे मैंने इसको ऑफ़ किया तो बाकी जो हमारे पिछले टाइमर्स थे जो नॉन रिडेंटिव थे, उसमें क्या होता था, जैसे मैं ऑफ़ करता था तो पूरी वैल्यू हमारी जो है वो मतलब कि 0 आ जाती थी, यानी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती थी। हमारी क्या है कि देखिए इसने यहाँ तक 6 पॉइंट कुछ सेकेंड्स जो है उस पर
यहाँ तक उसने कैलकुलेट किया, ठीक है, उसने काउंट किया, सॉरी काउंट किया, और उस टाइम पे आपका जो है इनपुट लो हो गया, तो क्या हुआ वो होल्ड कर गया। तो अब हम यहाँ से अगर रीसेट यहाँ पर दबा दें, रीसेट हमारा इसीलिए है कि इसकी वैल्यू जो हो उसको हम ज़ीरो करें। अब देखिए हमारा ये ज़ीरो हो गया, यही है हमारा टोटलाइजिंग टाइमर, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए, अभी मैं इसको एक बार ऑफ़ करता हूँ दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं, ठीक है, इसको ऑन कराता हूँ, देखिए काउंट कर रहा है, अब मैंने ऑफ़ करा दिया, यहाँ पर से ऑफ़ करा दिया, ठीक है। अब यहाँ तक ये काउंट कर चुका था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब मैं दोबारा जब ऑफ़ कराता हूँ, ऑन कराता हूँ, तो आगे से कंटिन्यू करेगा ये, यही हमारा रिटर्न कर जाएगा, है ना। अतः हमारा, यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इनपुट कर दिया तो आपका फिर शुरू से होगा, तो यानी ये वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन इस्तेमाल होगा, यहाँ पर हमको वैल्यूज़ अपनी होल्ड चाहिए, ठीक है, वहाँ पर ही वाला हमारा टाइमर यूज़ होगा। और हमारा आप ये बाइनरी टाइप में देख लीजिए, हमारा क्या इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है, कुछ नहीं होता है यहाँ पर, बस मैं यहाँ पर इसको इंस्ट्रक्शन करके बस एक्स कर दूंगा यहाँ पर, तो हमारा बाइनरी में आ जाएगा, ठीक है। और हमारा यहाँ ऑपरेंड ये प्रीफिक्स जो है वो एंड यूज़ होगा, बस ये फ़र्क है बाइनरी और बीसीडी में, बाकी सारा कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम करके देख लेते हैं एक बार फोर्स ऑन, देखिए हमारा हो गया, आपका 10 सेकंड्स पे कंप्लीट हो गया, ये हेक्साडेसिमल में शो कर रहा है यहाँ पर, तो ये आपका 10 सेकंड्स ही ले रहा है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर से अगर फोर्स ऑफ भी करूँ, ठीक है, तो ये रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि जब हम रिसेट दबाएंगे तो हमारी वैल्यू रिसेट होगी। तो यही है, तो अगले सेशन में हम लोग आपका ये जो हमारा एक लॉन्ग टाइमर आता है, ठीक है, इसमें यूज़ होता है सी प्रोग्रामर के अंदर, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पर ब्लॉक उसका जो होता है, तो वो उसके बारे में बात करेंगे।